हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज 14 मार्च 2018 के इवनिंग शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन था कि जो एशियन कंट्रीज हैं उनके मेंबर निम्न में से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, मैं एशियन जो मेंबर्स हैं उनका नाम आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना। तो दोस्तों, आप देख लीजिए एशियन के मेंबर्स, इनमें से जो आंसर में नहीं था वही आपका आंसर हो जाएगा। शायद लोग इंडिया आंसर बता रहे हैं, तो इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भूटान का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना। तो भूटान का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कि कॉन्स्टिट्यूशन बना था 18 जुलाई 2008 को, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन था कि पन्नालाल घोष किससे रिलेटेड हैं। तो पन्नालाल घोष जो बांसुरी इंस्ट्रूमेंट है या फ्लूटिस्ट हैं वो खुद उसको बजाते हैं। ब्लैक एंड ब्लू हिल्स कहाँ स्थित हैं। तो ब्लैक एंड ब्लू हिल्स यूएसए में स्थित हैं। और उसके बाद था कि संस्कृत पोइट राजशेखर किससे किसके दरबारी थे। तो ये प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबारी थे, ये लुसेंट में दिया गया है। और फिर आगे था प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट की सैलरी इंक्रीज किस अमेंडमेंट के द्वारा की गई, किस आर्टिकल में अमेंडमेंट के द्वारा की गई। तो इसका आंसर मुझे मिला नहीं दोस्तों, आप इसका आंसर जानते तो नीचे कमेंट करें। या उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर, शायद यहाँ एटॉमिक गलत लिखा गया है। फिर सोनार रे की स्पीड दी गई थी और टाइम दिया गया था, तो स्पीड इक्वल टू होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी तो क्या हो जाएगी, टाइम का 1/T क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/T। यहाँ से आप निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और उसके बाद आप स्पीड की जगह स्पीड रख देंगे और वेव लेंथ निकाल लेंगे। अगर आपको डिस्टेंस पूछे तो सीधे आ जाएगी स्पीड इनटू टाइम। और फिर था पंचायत राज इज विन इन विच अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट में को जोड़ा गया था। क्वेश्चन दोपहर वाली शिफ्ट में आया, तो 73 अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। तो जीडीपी इंक्रीज इन 2018, तो जीडीपी जो थी 2017 में थी 6.5 और 2018 के जनवरी मंथ में हो गई 7.2, तो इंक्रीज कितना हो गया 0.7/6.5×100, तो यह आ जाएगा 10% के बराबर। तो ऑप्शन में एक 10% भी था, तो ऑप्शन मेरे हिसाब से वो होना चाहिए। तो फिर है कि मास रिमेन सेम एंड रेडियस इज डबल्ड, अगर किसी चीज़ की जो उसका मास है वजन है वो सेम रखा जाए और तो रेडियस है डबल कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट करता। तो एक तरह से फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, पूरा समझाता हूँ मैं वो क्वेश्चन कैसे होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है जी, ये ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है F=gm1m2/r². अगर इसमें हम r की जगह 2r कर देंगे तो जो पहले वाला f है उसमें F/4 हो जाएगा, और उसी प्रकार g जो है g/4 हो जाएगा। तो जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो जो ओरिजिनल है उसकी 1/4 हो जाएगी। और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रामकृष्ण मिशन कब इस्टेब्लिश हुआ। तो ये 1897 में स्वामी विवेकानंद ने इस्टेब्लिश किया था। और बिम्स्टेक समिट 2017 के बारे में शायद दोबारा आज क्वेश्चन आया है, आप बताना कि दोबारा आया है कि नहीं है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो समिट हुई थी वो 2017 में दिल्ली में हुई थी। और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं उनका उद्गम स्थल पूछा था। तो गंगा का जो उद्गम स्थल है वो आप जानते हैं कि उत्तराखंड में है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका वो है तिब्बत में। दोस्तों, यही कुछ क्वेश्चन मिले थे मेरे को, इनके अलावा आप क्वेश्चन जानते तो कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे की शिफ्ट के पाने के लिए। और चलो, धन्यवाद।